दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय अभ्युदय पाइल्स। नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे। महान्यूज 7 के सुपर फास्ट टॉप 50 बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं देश विदेश के कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, भदरसा गैंगरेप केस पर भी करेंगे समीक्षा बैठक। अमित शाह ने संसद में जयशंकर से की मुलाकात, बांग्लादेश के हालात पर चर्चा। हज पॉलिसी 2025 को सरकार की मंजूरी। ओलंपिक 50 केजी रेसलिंग विनेश फोगाट के सेमीफाइनल में एंट्री, यूक्रेन की खिलाड़ी को हराया। सुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जताई। राजस्थान में कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा से 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। जेवलिन के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, 89.34 मीटर दूर फेंका भाला। बीजेपी नेता लालकृष्ण अडवाणी अपोलो अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, पुलिस के ऊपर हमले हुए, राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी, राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। बांग्लादेश हिंसा मामले पर राज्यसभा में बोल रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया ने सरकार से राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने की अपील की। वेस्ट बैंक चेक पॉइंट पर चाकूबाजी कर रहे आतंकी को इजरायली जवानों ने मार गिराया। ब्रिटेन जा रहे अपने नागरिकों के लिए भारत ने जारी की एडवाइजरी, खास क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह। शेख हसीना के इस्तीफा के देने के बाद बांग्लादेश में 100 लोगों की मौत। बांग्लादेश मामले पर 3:30 बजे संसद में जानकारी दी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। बांग्लादेश हिंसा में बंगाल के पेट्रोपोल बॉर्डर पर पहुंचे DGBSF दलजीत चौधरी। राजस्थान में हुई भारी बारिश के कारण 5 लोगों की मौत, 1 लापता। उम्मीद है बांग्लादेश के मुद्दों पर दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा होगी, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा। सरकार के ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने पर खुशी, विदेश मुद्दों पर हम एक है, शशि थरूर ने कहा। बांग्लादेश हिंसा पर नई दिल्ली में चल रही सर्वदलीय बैठक हुई खत्म। बांग्लादेश हिंसा, मेहरपुर इस्कॉन मंदिर में दंगाइयों ने तोड़फोड़ की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 900 और निफ्टी में 250 अंकों की तेजी। बांग्लादेश हिंसा पर नई दिल्ली में हलचल, केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बांग्लादेश में दंगाइयों ने शेरपुर जेल पर बोला हमला, 500 कैदी भागे। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने अजित पवार को बोला हमला बताया सबसे बड़ा गद्दार नेता। लगातार दूसरे दिन भारत बांग्लादेश बॉर्डर के दौरे पर DGBSF दलजीत चौधरी, सीमा अलर्ट। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे मोहम्मद यूनुस। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के येलो जोन में गिरे 2 मकान, करीब 8 लोगों के फंसे होने की आशंका। यूएस में चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में ट्रंप की सजा पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट का इनकार। ब्रजभूषण यौन उत्पीड़न मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बांग्लादेश में हुई हिंसा की पारदर्शी जांच होनी चाहिए, यूएस ने कहा। गाजा में हवाई हमले के दौरान मारा गया हमास का कमांडर जाबिर अजीज, IDF का दावा।
फिजी की राजधानी सुवा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने किया स्वागत। पश्चिम इराक में अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने अल असद एयरबेस पर हमले की खबर। आज से दिल्ली के 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे उद्धव ठाकरे, इंडिया ब्लॉक के टॉप लीडर्स के साथ करेंगे मीटिंग। यूएस के फिलाडेल्फिया में आज करेंगी कमला हैरिस रैली। आज रात भारत में ही रुकेगी शेख हसीना, लंदन में से अभी तक नहीं मिली मंजूरी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने वर्तमान संसद को किया भंग, जनवरी 2024 में बनी थी सरकार। फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियंस को धोया, 10 सेकंड में पलटी पूरी बाजी। रणवीर के न्यूड फोटोशूट पर बोली आशिकी गर्ल, मैंने दिया था टॉपलेस सीन। प्रयागराज कुएं का दूषित पानी पीने से 4 लोगों की मौत, गांव में मचा हड़कंप। वेस्ट बैंक चेक पॉइंट पर चाकूबाजी कर रहे आतंकी को इजरायली जवानों ने मार गिराया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 घर धराशायी, 8 लोग दबे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। रिकवरी मोड में भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 940 तो निफ्टी 280 अंकों की तेजी के साथ। ढाका के अवामी लीग नेता के होटल पर हमला कर 8 लोगों को जिंदा जलाया, भीड़ की तालिबानी बर्बरता। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने अजित पवार पर बोला हमला, बताया सबसे बड़ा गद्दार। और गुरुग्राम में भिड़े कावड़ियों के 2 गुट, डीजे को लेकर था पुराना विवाद, 5 अरेस्ट। और इसी के साथ सुपरफास्ट टॉप 50 हेडलाइंस में वक्त हो चला है यही रुकने का। अन्य खबरों के लिए बने रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी से 1 खरीदे 1 मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वेराइटी उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरि नगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी, अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाए जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICIG स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता प्लॉट नंबर 46, शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, थंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th जून। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, प्लॉट नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड, नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674।
क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए USFDA अप्रूव्ड ईईसीपी ट्रीटमेंट, जिससे 80-90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।